उन्हें सहराई माहौल में छिपने में मदद देता है। खास तौर पर जलालत वाकई में इन्होंने ना सफारी वो जो है ना लाई उसके तो इन्होंने मस्त लोगों को ना ये स्विंग ले सके। और ये खड़े हैं हमारे शेरू शेरू हमारी आयुष्मान पास कर रहे हैं पास को चक्कर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। सो गाइस हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अभी फ़िलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं मैं रेडी हुई हूँ और आज है संडे। अब ये मैं समझिएगा कि हम जा रहे हैं नाश्ता करने, हम नाश्ता करने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सफारी ज़ू। आज हम जा रहे हैं सफारी ज़ू। जब हम पहले फर्स्ट टाइम गए थे ना तो हमारा पोपट ही हुआ था सच्ची में हमारे साथ, कि हमारा जो है ना वो टिकट नहीं मिली थी, हम लेट हो गए थे। तो अब हमें पता है और हम जल्द निकल रहे हैं। जो सारे रेडी हो चुके हैं हम, ज़ूनी भी रेडी हो चुकी है। ज़ूनी खड़ी हो यहाँ पर, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस मैंने अभी शूज़ पहने अपने ये वाले, और अब्बास भी रेडी हो चुके हैं। अब्बास अपनी फुल लुक दिखाइए, और मेरी फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस ये है जी मेरी फुल लुक, ये है मेरा मेकअप भी, ये है मैंने ये न्यूड लिपस्टिक लगाई है मैंने, और ये मेरे शूज़ भी मैंने पहन लिए हैं। आइए मैं साथ डब्बा लेकर जा रही हूँ। आइए मेरी मम्मा की फुल लुक है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं सफारी ज़ू और अभी अब बाबा पार्किंग कर रहे हैं और अब हम ज़ूनी का रोना स्टार्ट हो गया। गाइस इस मैडम की बातें सुने कह रही है कि ना मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, अभी गाड़ी से ये उतरी नहीं तो इसकी टांगे दर्द होना स्टार्ट हो गई। मेरी टांगे दर्द, गाइस ये टांगे दर्द होने का को इसकी टांगे दर्द नहीं हो रही थी, इसने बस बाबा की गोदी में चढ़ना था। देखे अब बाबा की गोदी में चढ़ गई है मैडम। और गाइस यहाँ से भी टिकट मिलती है बट हमने वो अंदर हमने अंदर काउंटर से ले लिया जी, यहाँ पर बहुत बड़ी। और गाइस अभी हमने सारी टिकट्स जो हैं वो बाय कर ली हैं, उधर ही काउंटर से बाय कर ली थी। तो अब हम जा रहे हैं सबसे पहले लाइन सफारी में, फिर हम घूमेंगे सारा। पहले तो हम जा रहे हैं लाइन सफारी में, इसको यहीं पर रहने दो, हम जाते हैं बाय। अब आस उधर ही रह गए मम्मा जी। और गाइस ये हैं सॉल्ट रेंज है ना, यही नाम था ना सॉल्ट रेंज। और इस साइड पे आ गए हैं स्विंग्स, और वो इस कार्ट में हम जाएंगे। और ये गाइस आ गए हैं स्विंग्स, उन्होंने एक साइड पे स्विंग्स भी बनाया हुआ है। और इस मैडम को झूले जो है ना वो नज़र आ गया स्विंग्स, और ये बस लग गई है कि मुझे झूला लेना है। सो गाइस यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है, रश है, और मेरे इतनी लंबी लाइन लगी है ना, और मेरे प्यारे दोनों। गाइस अभी हम जा रहे हैं लॉयन सफारी पे, जालियों से आप लोगों को यकीनन नहीं नज़र आ रहा होगा, अंदर एंटर होने नहीं है, बस
समझ ही लो है ना मुझे यहाँ से उंगली मार दी तो नहीं मैंने पाकिस्तान की जंगली हयात की वसत से मुतारफ कराएगा, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। तैयार हो जाइए अफ्रीका के वसी मैदानों और घास के मैदानों की सैर के लिए, जहां हमारा अफ्रीकन सफारी आपका इंतजार कर रहा है। यहां आपको अजीम अलशान का अदब, खूबसूरत ज़ेब्रा और जमीन पर सबसे बड़े परिंदे शुतुरमुर्ग समेत मुतअद्दिद हैरत अंगेज जानवरों से मिलेंगे। इन जानवरों को देखते हुए आप अफ्रीका के जल माहौल की शान और शौकत महसूस कर सकेंगे। आखिर में हम आपको सिंचाई माहौल के राजों से पर्दा उठाने का मौका प्रदान कर रहे हैं। ये नई बर्फी गाड़ियां न सिर्फ आपके सफर को आराम दे और माहौल दोस्त बनाएंगी, बल्कि आपको पाकिस्तान के जाएं पाकिस्तान डियर सफारी के रंग में जंगलों और घास के मैदानों में रहते हैं और उनका रंग गहरे जैसे लाल माई बेहतर होता है। उनके नर छोटे सीधे सींग रखते हैं जो उन्हें जंगल के माहौल में छुपने में मदद देते हैं। मदद देता है जहां वो चरना और पानी पीना पसंद करते हैं। अक्सर उनका रंग बेरामाई होता है और उनके जिस्म पर सफेद निशान उन्हें एक मुनफरिद ज़हूर देते हैं। उन्हें गिरोहों में चढ़ते या उड़ान लगाते देखना एक दिलचस्प मंजर है। पाकिस्तान डियर सफारी सिर्फ उन खूबसूरत हरणों को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके माहौल और उनके माहौलियाती निज़ाम में ये मंजर इस बात की गवाही है कि कुदरत ने उन्हें भागने की सलाहियत से नवाजा है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। अफ्रीकन सफारी में आपको अजीम अलशान काउडब भी मिलेंगे। ये बड़े जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे घूमते सींग और खूबसूरत तेरंग के होंठ के लिए जाने जाते हैं। उनकी ताकत और वकार उन्हें अफ्रीका के मैदानों का बादशाह बना देते हैं। उन्हें चलते और पानी पीते हुए देखना एक ऐसा मंजर है जो आपके जहन में हमेशा नक्श रहेगा। और हाँ, आवा अफ्रीकन सफारी सिर्फ उन हैरत अंगेज जानवरों को देखने के बारे में नहीं, बल्कि ये उनके माहौल और उनके माहौलियाती निज़ाम में अदा किरदार छलांग लगा के अघास चलते हुए देखना एक दिलकश मंजर है, लेकिन काला हिरन सिर्फ एक आवाज है। सहराई माहौल में अपनी नौबत का एक और शाहकार अरबी ओरिक्स से मिले। ये बड़े जिस्सी वाले सफेद हिरन अपने लंबे आवाज़ बर्दाश्त करने में मददगार हैं, जबकि उनके तेज टांगों से वो रेत पर आसानी से दौड़ सकते हैं। उन्हें गिरोहों में चढ़ते या पानी के हौज के पास जमा होते देखना एक तो गाइस, अभी हमने लॉयन सफारी कर ली है और जो जंगल सफारी है वो भी कर ली है। वो जो पूरा ज़ू घूमते हैं कार्ट में बैठ के, वो भी कर लिया हमने। और अभी हम जा रहे हैं स्विंग्स लेने, क्योंकि उसने नहीं तो लगे ना रोते। मेरे हस्बैंड को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो हम गए हैं ना, क्या कहते हैं, फेस दिखाओ बाबा से, क्या करना चाहिए, आती वाकई में इन्होंने ना सफारी वो जो है ना लाई, तो इन्होंने लोगों में ना ये वॉयलेट दे मुझे, मैं इसके पानी छानी ले करूँ। सो गाइस, जो हम लॉयन सफारी में गए थे ना, उधर बस हमने टू लॉयंस देखे हैं, वो हमें जल्दी से वापस ले आए हैं। मैं लेके जाता हूँ। तो इसलिए बाबा को ना, बाबा थोड़े से अपसेट और डिसहार्ट हुए हैं कि ये क्या किया है जी इन्होंने, इतना इन्होंने करके इतना नाम ले, वो पहले की लाइन में इतना खड़े हो जो। हाँ जी, और फिर लाइन में खड़े। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो चले गए हैं दस्ताव के बाबा नमाज पढ़ने लगे हैं, और हम यहाँ पर रेस्ट करने लगे हैं।
मगरिब की अज़ान और नमाज फर्स्ट है, अब मेरे हस्बैंड पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर हम अंदर बच्चों को लेकर जाएंगे, वहाँ पर स्विंग दिलाएंगे, उसके बाद जाएंगे जो डिनर पर रेस्ट कर रहे हैं ग्रास पे बैठ के, और ग्रास थोड़ी ठंडी ठंडी सी है और नरम भी है थोड़ी थोड़ी सी ना। ये ले मामा खोल रहे हैं इसे पानी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं फन दुनिया में, तो मामा और मैं जो है वो एक जो होता है ड्रैगन है ना, ड्रैगन कहते हैं सब, बट हम कहते हैं उसको बोट वाला झूला, तो हम अब उसमें जाएंगे मामा और मैं। मुझे वैसे ना तेज़ झूलों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे किसी से भी नहीं लगता। हाँ जी पता ही मामा को क्यों नहीं लगता, मामा झूले लेते हैं, मामा स्टिल यूँ बैठी रहती है और मैं मामा जी मैं गिर जाऊँगी। अर्जुनी ने सबसे ज़्यादा जिद लगाई हुई है। सो गाइस अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं। सो गाइस जो कलाई घड़ी है ना उसके जो है ना क्या कहते हैं, राइड फी 800 है। बम्पर कार्स हैं, बम्पर कार की भी अलग है, और जो बाकी के सारे 190 या 190 जी 3%। हाँ जो पेपर्स हैं, तो ये कप वाला है स्विंग जिसमें ये ऑक्टोपस है, और ये बोट वाला है जिसमें अब मामा और मैं जा रहे हैं ड्रैगन वाले में। हाँ जी ताप डर रही है। देखे गाइस कस्ताफ इतना ज्यादा डर गई है, उसके हर्ट में कुछ होने लग गया था, पेन होता है मुझे हर्ट में, लेकिन आई थी वो कहती थी ना चलो जी मैं भी लेती हूँ बड़े शौक से, जाओ कस्ताफ। हाँ जी अभी बच्चे जी ट्रेन में चले गए, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है कस्ताफ की हाइट की वजह से, वो कस्ताफ को छोटे झूलों में बैठने नहीं दे रहे, और जहाँ पर जुनाइशा और अब्बास बैठ सकते हैं वहाँ पर वो दोनों बैठ नहीं रहे, क्योंकि अब्बास जुनाइशा को कैरी नहीं कर सकता, तो हमने कहा रिस्क लेने का कोई भी हमारा मूड नहीं है, ऐसी जगह पर हम डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर ना बच्चे जो है ना इंजॉय भी कर लें, क्योंकि जुनाइशा को लेने हैं स्वीट। कस्ताफ की माशाल्लाह हाइट है, और उसकी हाइट की वजह से फिर सब समझते हैं वो एज में बढ़ गया, जबकि कस्ताफ 9 है एंड हाफ ईयर की है। वो जा रहे हैं जी कस्ताफ अब्बास, अपने बच्चों के लिए खड़े हुए हैं कि अभी मेरे बच्चे आएंगे तो मैं इनको लेके नीचे आऊंगा। लाइन दिखा रहे हैं देखो जी, अभी भी लाइन दिखा रहे हैं अंधेरे में, लोगों ने क्या देखना। अच्छा अभी भी लाइन दिखा रहे हैं, बस पैसे कमा रहे हैं और कोई चीज नहीं है, लोग भी तो पागल है ना, फजूल के पैसे आए हुए हैं। मुझे तो पता क्या लगता है आतिफ, विंटर में सही है, विंटर में मॉर्निंग टाइम में जब वो लाइन है ना बाहर धूप में भी निकलेंगे, इस टाइम तो वो धूप में गर्मी में बेचारे खुद अंदर जाके लेटे होते हैं, निढाल हुए होते हैं, इंसानों का बुरा हाल है, वो तो जानवर है। ये देखें जी कस्ताफ अब्बास आ भी गए हैं, ये सिर्फ छोटा सा राउंड है, छोटा सा ठाक हो गया। चलो बास का तेज़ झूले में नहीं बैठ, बास कर रहा है, बास को चक्कर आ रहा है।
होने लगा, स्टॉप होने लगा। अब्बास इतना मजा आया मुझे, और अब्बास डर रहा था। अब्बास तुम डर रहे थे? चलो भाई कुछ नहीं होता, बड़े भी हो जाओ। मम्मी बॉय पैसे लेते हैं? नहीं यार, अब चलते हैं यार। सुनाइशा बेचारी बोर हो रही है, उसके लिए कोई भी नहीं है। चलो खैर, बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। अभी हमारे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, नहीं तो हमने मूवी देखने चले जाना था। आए, आए, आए। अब्बास वो देखो उधर चला गया। अब्बास को जो पसंद है उसके पास। डिनर के बाद बाबा जी आप आइसक्रीम खिलाएंगे जनाइशा को, और ख़त्म करें यार, थक गए हम। 4 बजे के हम आए हुए हैं, 7 बज गए। वो जाएगी जनाइशा और जी ये जा रहा है अब्बास। बाय बाय अब्बास। चले जी, अब ये हमारी यहाँ पर ना लास्ट होगी, इसके बाद हम डिनर के लिए जाते हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं, ऐसे प्लेस पे जाएंगे जहाँ पर कोई बच्चों की एक्टिविटी हो, क्योंकि बच्चे जो उनसे है ना जुनाइशा, उसने लेने थे स्विंग्स, और जुनाइशा के यहाँ पर कोई इतने खास स्विंग्स नहीं थे, तो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ना ये स्विंग ले सके। और ये खड़े हैं हमारे शेरू। शेरू कितने दिन हो गए हैं हमने व्लॉग नहीं बनाया, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ी सी माजरत, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 19 सितंबर को, तो मैं ट्यूशन में भी बिज़ी थी, और वैसे मैं और मैं अपने काम में बिज़ी थी। बस इंशाल्लाह आपको, और मामा की तबीयत भी ख़राब हुई थी थोड़ी सी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, बस घर के कामों में बहुत बिजी थे, और कुछ जो मैंने न्यू वर्क अपना स्टार्ट किया उसके लिए भी मामा थोड़ा सा काम कर रही थी। इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे मैंने उनकी क्या तैयारी की है। और अब इंशाल्लाह हमने सोचा कि वीक में हम 2 टाइम फिर आप उसको बाय भी करना व्लॉग जो है ना वो जरूर अपलोड किया करेंगे, अपलोड किया तो करेंगे। आपने हमारे चैनल वीक को पे थ्री टू टाइम तो जरूर है, थ्री टू टाइम नहीं नहीं टू टाइम तो जरूर करेंगे ना। थ्री का पता नहीं, क्योंकि आगे आपके एग्जाम आ रहे हैं जी, तो इस वजह से, क्योंकि स्टडी बहुत जरूरी है जी। और फिर मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट वाला डे भी दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं फर्स्ट ही आऊँगी। इंशाल्लाह स्टडी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चे की स्टडी बहुत ज़रूरी है इस वजह से। अब बस डिनर करते हैं, और यहाँ पर देखें अमामुल नास। अमामुल चले जी, अब हम जा रहे हैं डिनर करते हैं। चलें भी, चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कहाँ चल रहे हैं। अभी हम सफारी ज़ू से निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। और सफारी ज़ू का लाइन एक्सपीरियंस रहा, लाइन सफारी का एक्सपीरियंस, नो नो कमेंट्स। आप क्या कहेंगे आप? इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, 1.5 घंटा खड़ा होने के बावजूद एक वैसे लाइन सो रहा था, दूसरा खड़ा था। और 1.5 घंटे लाइन में लगे, और अंदर जाके कुछ भी नहीं, बस सोशल मीडिया बस से उठाया। लाइन हमने देखे, वो भी सोए हुए थे, कुछ भी नहीं था। बस इससे अच्छा तो मुझे लगता है वो वाला दूसरा जो है, जिधर बाहर हम जालियों से देख भी लेते हैं, और वो हमें कोई रिस्पॉन्स भी करते हैं, आते हैं पास, और ये तो बिल्कुल पास भी नहीं आए, हम बस यूं पाथ पे ही चल चल के तो वापस आ गए। स्टेज स्टूडियो पर, क्योंकि जुनाइशा ने खेलना है और यहाँ पर नीचे प्ले लैंड है, इसलिए हमने सोचा यहाँ पर चले जाते हैं। हाँ जी, चीजियस वो पास ही है, वो देखो साथ आगे चीजियस है। क्योंकि कस्ताफ को स्टेक खाना है, मुझे भी स्टेक खाना है, और जूनी को खेलना है, क्योंकि इसके ना बिल्कुल पीछे हम पहले भी आए हुए हैं। अब्बास की बर्थडे हमने इसी पॉइंट पे की थी। आप में से किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लें, और यकीनन नहीं देखा होगा। लाइव म्यूजिक पता नहीं आज भी लाइव म्यूजिक है कि नहीं इधर।
ओके न्यू कुछ आया वह आइसक्रीम आ गई है न्यू चले ऑर्गेनिक आइसक्रीम आई है ऑर्गेनिक आइसक्रीम आ गई है जी यहाँ पर और ब्रेकफास्ट मेन्यू लास्ट टाइम इन्होंने हमें कहा था कि ब्रेकफास्ट आने लगा है वो भी आ गया अभी हम आ चुके हैं स्पीक स्टूडियो और मैंने आज अपना खुद का स्टीक ऑर्डर किया है और अपने तरीके से चिकन स्टीक ऑर्डर किया मैंने और उसके साइड सॉस है मशरूम सॉस पहले मैंने चीज़ सॉस की थी मैंने कहा मेरे साथ ही ऐसा होता है चीज़ सॉस खत्म हो जाती है जब भी ये बेचारी ऑर्डर करती है और फिर मैंने मशरूम सॉस कर लिया फिर मैंने साइड इसका मैश पोटैटो किया क्योंकि मुझे मैश पोटैटो बहुत पसंद है स्टीक के साथ और मामा ने भी स्टीक ऑर्डर किया और बाबा ने भी स्टीक ऑर्डर किया नहीं उन्होंने चाइनीज राइस बाबा ने चाइनीज राइस कैश्यू नट जी कैश्यू नट और अब्बास ने अल्फ्रेडो अब्बास अल्फ्रेडो चलो आओ हैंड वॉश करके आए हम ये मेरा स्टेक चलो जूने तो अभी हम यहाँ पर अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक्सचेंज कर लिया मैंने उनकी वाली ले लिया प्लेट और उनको मैंने अपनी दे दिया हम इसी तरह करते हैं अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं और मिलके इसी तरह हम खा लेते हैं और फिर मैं कहती हूँ मम्मा पापा को बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड Yes. और ये हमारी मानो यही कर रही है खा लो जल्दी से चले 5 मिनट में करवा दें फिर मिलते हैं चलिए अब मैंने मंगवा लिया कॉफ़ी और बच्चों ने आइसक्रीम तो आ गई दूसरी कैरेमल वो वाली अब ये आइसक्रीम आप खाएंगे चले आओ अब टेंशन में हो गया मम्मा ने ब्रोनी मंगवाई है चले जी अब हम यहाँ पर अपनी आइसक्रीम इंजॉय करते हैं और दस्ता अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब पास कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें आपको हमारी आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन मिल जाए जी और कमेंट भी कर दें करें यार okay हमारी वीडियो को शेयर लाजमी कर दें फ्रेंड्स ओके जी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ चलो ये आवाज नहीं मैं नहीं पकड़ रही
सजना तेरे बिना सजना।